आए दिन यहाँ पे डेली घटना हो रहा है, दो दिन चार दिन पे एक बाइक उठा लिया जाता है, उसको लेके थाना में कोई कंप्लेन किया जाता है तो थाना से सुनवाई नहीं होता है। आश्वासन ये दिया जाता है कि कंप्लेन दिए हैं आप तो सुनवाई होगा, लेकिन यहाँ पे सुनवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। यहाँ हर दिन गाड़ी उठ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, केस करने से कोई फायदा है नहीं। अब कहने मतलब है कि गाड़ी कोई आ रहा है उठा के लेकर चला जा रहा है, मंडी है, भीड़ भाड़ रह रहा है यहाँ पे, लेकिन यह गाड़ी यहाँ आए दिन उठ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको गोपालगंज, है अवधेश और अभी हम पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के बरौली में, जो कि बरौली अभी हम जो कि सब्जी मंडी में, और बताया जाता है कि यहाँ आए दिन एक ना एक दिन जो कि यहाँ पर बाइक चोरी होती जा रही है, और यहाँ पर की जो है कि कई जो कि यहाँ पर बाइक चोरी हो चुकी है। अभी फिलहाल एक दो दिन पहले यहाँ पर एक शख्स की, एक व्यक्ति की जो कि बाइक चोरी हुई है। अभी हम वहाँ पर हैं और अभी यहाँ जानने की प्रयास करें कि बाइक चोर कौन है और कैसे चोरी हो रहा है। यहाँ पर जो है कि बाइक का ऑनर है, उनसे हम बात करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि जो बाइक चोरी हुआ है वो यहीं से हुआ है। हम बाइक चोरी के जो कि लोकेशन पर खड़े हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकल कर आया है, जिसमें एक चोर आता है और जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी पर बैठता है, कुछ देर वक्त बिताता है और यहाँ से जो है कि उठता है, बाइक को लेकर के निकल जाता है, जो कि बाइक यहीं पर लगी थी, बाइक के जस्ट बगल में लगी थी। परसों जो है कि यहाँ पर बाइक लगी थी और जो कि रेड टी शर्ट वाला एक चोर आता है और यहाँ पर बैठकर उठकर फिर यहाँ से उठ के और बाइक को लेकर चल जाता है यहाँ पर। एक ही नहीं जबकि हर हफ्ते में एक बाइक यहाँ से उठ जा रही है, लेकिन अभी तक जो है कि इसका पर्दाफाश नहीं हुआ है। यहाँ पर जो परसों की बाइक चोरी हुई है, उस बाइक के ओनर से हम बात करना चाहेंगे और जाने के प्रयास करेंगे कि कैसे क्या हुआ। जी सर, आपका नाम क्या होगा? अमित कुमार बरनवाल जी। कैसे ये हुआ? परसों हम गाड़ी मतलब कि 11:05 समथिंग यही यहाँ पे लगाएं और आधा घंटे के बाद हम यहाँ पे आए तो देख रहे हैं कि गाड़ी नहीं है और सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर धीरज कुमार के कैंपस में लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम खंगाले तो वहाँ पे दिख रहा है कि एक लाल कलर का टी शर्ट बैग लेकर एक लड़का आ रहा है और पैदल ही आ रहा है और आकर यहाँ पे बैठ जा रहा है और इधर उधर देख रहा है, बैग में से कुछ निकाल रहा है और निकाल के बात कर रहा है और 11:05 से लेकर 11:22 तक, यानी कि 17 मिनट के अंदर में बैग अपना रख रहा है मेरे बाइक पे और धीरे से फिर जाकर बैठ जा रहा है वहाँ पे, फिर इधर उधर देख रहा है और देखने के बाद उसके बाद फिर आया और बैठा गाड़ी और सीधा दिख रहा है कि सीसीटीवी कैमरा में थोड़ा सा कि वहाँ से लेकर दम लफ रफ चक्कर हो जा रहा है। आप अपना बाइक जो है कि वो लॉक करके रखे थे? हाँ बिल्कुल, यहीं पे मैंने बराबर 7 साल हो गया बाइक का, यहीं पे रखते थे, यहाँ पे रखते थे, वहाँ पे रखते थे, यहीं पे इतना ही दूर में रखते थे बराबर। जैसे कि आपका यहाँ पर दुकान है? हाँ यहाँ पे दुकान है मेरा, रेडीमेड का कपड़ा का। जैसे कि भैया के यहाँ पर दुकान है, यहाँ का जो कि बहुत सारा दुकान यहाँ पर बरौली बाजार में, और यहाँ का जो कि प्रतिदिन यहीं पर बाइक लगाते थे, आज कितने दिन से सर? पाँच छः साल से जो कि बाइक यहाँ पर लगाते थे, लेकिन जो कि परसों के दिन जो कि यहाँ पर एक चोर आता है और वो बाइक को चुरा कर ले जाता है। आए दिन यहाँ पे डेली घटना हो रहा है, दो दिन चार दिन पे एक बाइक उठा लिया जाता है, उसको लेके थाना में कोई कंप्लेन किया जाता है तो थाना से सुनवाई नहीं होता है। आश्वासन ये दिया जाता है कि कंप्लेन दिए हैं आप तो सुनवाई होगा, लेकिन यहाँ पे सुनवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। थाना प्रशासन का बहुत ज़्यादा यहाँ लापरवाही है, वो लोग इस मामला को अगर ध्यान में लेते हैं तो यहाँ से इतना चोरी नहीं होता। अच्छा। हर 10 दिन 5 दिन पे एक गाड़ी उठ रही है यहाँ पे। अच्छा। इसमें थाना के कहीं ना कहीं लापरवाही है इसमें। अभी तक कितना बाइक चोरी हो चुका है आपने बरौली बाजार से? यहाँ से 10 बाइक चोरी हो चुका है सब्जी मंडी से, बरौली के सिर्फ सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी से 10 बाइक चोरी हो चुका है, जिसमें परसों आपका भी चोरी हुआ है। जिसमें परसों मेरा यहाँ से चोरी हो गया 11:30 करीब में, उसको लेके मैंने 2-3 बार थाना में गया, थाना से यही हो रहा है कि वीडियो क्लिप लाइए आप, हमको दीजिए, हम सुनवाई करेंगे, इस पे कार्रवाई करेंगे। वो लोग कुछ जांच नहीं कर रहे हैं, नहीं अभी तक घटना स्थल पे आए हैं। तो जिसकी फुटेज आप लोग सीसीटीवी कैमरा के जो कि थाना में दिए हैं, प्रोवाइड कराए हैं थाने को? जी जी जी। तो उसके बाद क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है कि आपका FIR लिख लिया जाएगा, अभी तक लिख के कोई कॉपी दिया नहीं गया है हम लोगों को। अच्छा, अगर बाइक कौन सी थी? बाइक मेरा हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस था। उसका नंबर क्या होगा? हीरो स्प्लेंडर प्लस, उसका नंबर था BR 29U 2699। अच्छा अच्छा। जो कि यहाँ पर कल 11 बजे करीब यहाँ से बाइक उठाया, जो कि नंबर अभी बता रहे भैया इनका हीरो का बाइक था, और यहाँ पर वही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे ग्राहक कस्टमर का जो है कि बाइक यहाँ पर प्रतिदिन जो कि चोरी होते जा रहा है। कौन सा बाइक था सर आपका? स्प्लेंडर था। कितने दिन पहले चोरी हुआ था? डेढ़ साल पहले जो 1.5 साल पहले यहाँ का जो कि बाइक चोरी हुआ था, लेकिन अभी कंप्लेन किए थे जी। बाइक मिला? नहीं मिला। नहीं मिला।
तो इसको लेकर आप थाने पर गए थे, थाने से क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन क्या मिला, मान लीजिए जो कंप्लेन था वो लिख कर दिया गया, हो गया, बात खत्म, बाइक नहीं मिल रही है। जो कि यहाँ पर शायद हमको थोड़ा बहुत जो कि थाना से भी लापरवाही दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो है कि 1.5 साल पहले बाइक चोर हुआ था और इन्होंने कंप्लेन किया था, लेकिन अभी तक इनका बाइक नहीं मिला। फिर इनका जो कि परसों चोरी हुआ है, ये भी कंप्लेन किया है थाना से, जो है कि फुटेज भी मांगा गया, ये लोग फुटेज भी दिए हैं, लेकिन शायद लगता नहीं है कि यहाँ पर इनका भी बाइक मिलने वाला है। तो सर, आप इसे यहाँ के जो भी बरौली थाना के पुलिस प्रशासन है, थाना अध्यक्ष है, उनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? मांग तो यही करना चाहेंगे कि जो ये हो रहा है ये न हो, और मान लीजिए कि हमारे जैसे बगल में सब्जी मंडी है, थोक सब्जी मंडी है, देहात से सब्जी आता है और लोग बेचते हैं यहाँ पे, और हो सकता है कि परसों मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ हो सकता है। तो हम यही थाना से मांग करेंगे कि इस पर कानूनी कार्रवाई हो, और मेरा जो गाड़ी गुम हुआ है उसको खोजा जाए, प्रयास किया। हाँ, बिल्कुल प्रयास किया जाए, और जो वो चोर है उनको भी खोजा जाए, और कठिन से कठिन सजा दिया जाए, और फिर उसको ऐसा सजा दे ताकि इस तरह का हरकतें वो ना करे, फिर दोबारा ना करे। यहाँ हर दिन गाड़ी उड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, केस करने से कोई फायदा है नहीं। अब कहने मतलब है कि गाड़ी कोई आ रहा है उठा के लेकर चला जा रहा है, मंडी है, भीड़ भाड़ रह रहा है यहाँ पे, लेकिन यह गाड़ी यहाँ आए दिन उठ रहा है। हाँ, गाड़ी बहुत ज़्यादा उठ रहा है, जैसे कि आपका कोई कस्टमर का भी गाड़ी उठा है। हाँ, यहाँ कस्टमर से 4 दिन पहले यहाँ से गाड़ी उठा है, यहाँ से चार दिन पहले हाँ, 2-3 दिन पहले इनका गाड़ी उठा है यहाँ से, दो गाड़ी हफ्ते में दो गाड़ी उठ गई। अच्छा, इसका कोई अथी नहीं है। जैसे कि इस हफ्ते में बता दूं कि ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में 2 बाइक यहाँ से चोरी हुई, एक यहाँ से और एक वहाँ से। एक यहाँ इनका जो कि कस्टमर थे उनका चोरी हुआ है, और एक दुकान की ओनर थे उनका जो कि बाइक चोरी हुआ है। और अभी तक जो कि यहाँ के पुलिस प्रशासन, थाना अध्यक्ष जो भी हैं, अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर जो भी पुलिस प्रशासन है, थाना अध्यक्ष, इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? हाँ, कार्रवाई कहाँ हो रहा है, कार्रवाई होता तब ना कोई बात होता। अब गाड़ी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, गाड़ी नहीं मिल रही है, गाड़ी जब गायब हो जाए तो मिल ही नहीं रही है, जो गाड़ी उड़ जा रही है वो मिल नहीं रही है, तो उसका क्या फायदा है? जो कि गाड़ी उड़ जा रही हो तो मिल नहीं रही, लेकिन पुलिस प्रशासन को अब से सतर्क हो जाना चाहिए, और अब से इस तरह के नियम जो कि बनाना चाहिए, ताकि कोई चोर फिर दोबारा उठाने की प्रयास ना करे। चोर तो उठाने वाला आ रहा है, उठा के लगा चला जा रहा है, सब लोग अपने दुकान में व्यस्त रह रहे हैं लोग, चोर की पहचान भी नहीं हो पा रही है, पहचान भी नहीं हो पा रही, चोर कौन है, कौन आके लेकर जा रहा है। अब पहचान आता तब ना कोई आदमी पकड़ता चाहे धरता उसको, यही बात है, और कोई बात नहीं है। लेकिन इसको प्रशासन को थोड़ा इस पर टाइट होना चाहिए, गाड़ी मतलब उड़ जा रही है तो अच्छी बात नहीं है ना मार्केट से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो घटना है बरौली सब्जी मंडी की है। अगर आप इस वीडियो से सहमत है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस तरह के चोरों का क्या करना चाहिए, और यहाँ के पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए। आप ये जो कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।